गुड इवनिंग सभी को जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों क्या ऑडियो ऑडिबल है एम आई ऑडिबल नीतू चौहान गुड इवनिंग सर अनिल जोशी गुड इवनिंग गुड इवनिंग अनिल जोशी क्या आप लोगों को मेरी uh, आवाज़ ऑडिबल है एम आई ऑडिबल ठीक है आ, अनिल जोशी जी सचिन ने जी ऑडियो ऑडिबल है जिंदल सर को मेरा प्यार भरा आ, नाम या प्रणाम ठीक है जिंदल जी को आ, मेरा भी प्रणाम ऑल क्लियर सर जी चले बेहतरीन है जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं अपनी एथिकल वैल्यू के बेस पे आ, सचिन ने गुड इवनिंग गुड इवनिंग सचिन चले दोस्तों बेहतरीन है जितने लोग जुड़े हैं दिशा बटौनी प्रणाम आपको प्रणाम ज्योति गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग ज्योति चलिए दोस्तों जल्द से जल्द जुड़िए आज हम तीसरा जो आपका प्रैक्टिस सेशन है आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वो वाला पोर्शन हम कवरअप करने वाला है लास्ट टाइम हमने काफी सारे क्वेश्चन करे हैं अभी तक चलिए सभी को गुड इवनिंग किसी को कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप बताने वाले हो दोस्तों फाउंडेशन यूट्यूब पर पढ़ा दो प्लीज मनीषा पिटवाल जी सर विनोद को जानते हो आप मेम्स वाला हाँ विनोद को जानता हूँ ठीक है सुचारिता प्रणाम है चले दोस्तों और अगर आपको YouTube पर लेक्चर देखने हैं तो वहां पे आपका सर्वेइंग और पूरा इरिगेशन मैंने आपको पढ़ाया आप वहां से वीडियो देख सकते हैं फॉर डेमो पर्पज और अगर आपको डिटेल में कोर्स से जुड़ना है दोस्तों और अगर आपको डिटेल में कोर्स से जुड़ना है तो आप हमारी ऐप पे जुड़ सकते हैं ऐप पे, और साथ में आप ऐप पे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन तो दो सेंटर है यहाँ पे, एक आपका है आपका दोस्तों करनपुर में और दूसरा आपका उत्तरकाशी में ठीक है तो अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऐप द्वारा और ऑफलाइन डायरेक्टली बैच में आके करणपुरी उत्तरकाशी सेंटर में ठीक है चले जिंदल ठीक है गुड इवनिंग सर अच्छा भावगुना सर जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को जिंदल भाई तुम कुछ करते हो ठीक है लाइफ में सबसे बड़ी पावर है इग्नोर करना तो अपने हिसाब से चीज़ों को इग्नोर भी किया जाता है चले दोस्तों गुड इवनिंग सभी को चलिए कोई डाउट है किसी को अभी तक टिल नाउ एनी डाउट अनिल भाई क्या कर रहे हैं यार ठीक है चलिए कोई भी परेशान है तो वो यहां पे क्वेश्चन देख सकता है और साथ में आपके कमेंट भी मैं आपके लूंगा चले दोस्तों तो बिना समय गवाही हम शुरू करते हैं आज का जो सेशन है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने दोस्तों ठीक है स्टार्ट कीजिए सर ठीक है uh, आपका आदेश सराखों पर और शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ड्रायर इन वार्डिस वार्निस में ड्रायर कौन सा यूज होता है सर जी मुद्दे पे आइए अब ठीक है थैंक यू फॉर सजेशन और मेरी आंखों को खोलने के लिए तो हम मुद्दे पे आते हैं क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन uh, है जो वार्निस है वार्निस में आपका ड्रायर क्या होता है ठीक है पहले का भी आंसर है और क्वेश्चन आप लोगों के लिए वार्निस किससे बनता है वार्निस के मेन कंपोनेंट क्या होता है क्वेश्चन आपका है वार्निस के मेन कंपोनेंट क्या होता है चलिए साथ में आप कमेंट द्वारा देने वाले आंसर पहले का बी है सभी का ऑप्शन है आपका कोपल लिथार्ज कारपेंटाइन और आपका मास्टिक ये आपके ऑप्शन है दोस्तों चलिए राहुल कार्नवाल बी कविता माधुरी आकाश यूके के टेन सभी का आंसर है बी ठीक है सुचारिता का रिप्लाई है सुर्खी चलिए और कोई दोस्त बताना चाहेगा एनी वन सजेशन तो साथ में आपका दिमाग का यूज कीजिए दोस्तों और जो मैं साइड बाई साइड क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देने वाले हो आप और नोट करके आप कहीं पे भी इन्हें सर्च आउट करके लिखोगे तो ज्यादा याद होगा ठीक है चले, तो इसका आंसर है लिथार्ज ये ड्राइंग काम करता है पेंट को ड्राई करता है तो इसका काम है लिथार्ज का एज अ ड्रायर यूज होता है वार्निस में रेजिन सॉल्वेंट एंड ड्रायर ठीक है कविता चौहान ये रेजिन से बनता है रेजिन जनरली कोपल हो गया ये आपके रेजिन है और आपका सॉल्वेंट होगा और आपका क्या होगा इसमें ड्रायर होगा ठीक है आंसर है कविता चौहान क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बनते हैं ठीक है रेजिन है है क्वेश्चन नंबर सेकंड जितने लोग जुड़े हैं सभी का आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड है पेंट फिल्म बिकम पाउडर ड्यू टू जो तो पेंट की फिल्म है वो पाउडर बन जाती है पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू के कारण किस कारण से बताइए पेंट फिल्म पाउडर बन जाती किस कारण से आपका बैड वर्कमैनशिप सेकंड है थर्ड से, है इनसफिसियंट ऑयल होने के कारण या डी आपका मॉइस्चर ठीक है दूसरे का आंसर है सचिन नेगी सी सुचारिता डी ठीक है दूसरे का डी है सिंपल सी दूसरे का डी आकाश यूके टेन जिंदल सेकंड का डी है और कोई बताना चाहेगा नीतू चौहान दूसरे का डी ठीक है दूसरे का सी कविता चौहान एल्स जितने लोग जुड़े हैं शेयर कीजिए दोस्तों मैक्सिमम लोगों तक ठीक है तो इसका आंसर है दोस्तों सी ऑयल इन द प्राइमर इसके कारण पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो आपका दूसरे का आंसर होगा आपका इन सफिशियंट ऑयल इन द प्राइमर इसकी कारण पेंट इसकी कमी के कारण क्या होता है पेंट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है चले क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है द पोरोसिटी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन पोरोसिटी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन कितना होगा तो आपका शुड नॉट बी मोर देन तो कितना होता है पोरोसिटी ओके सर चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है द पोरोसिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी शुड नॉट बी मोर देन या कितना होना चाहिए अप्रॉक्स तीसरे का ये है जिंदल साहब का आंसर है तीसरे का ये एनीवन एल्स तीसरे का बी है सचिन और कोई तीसरे का ये थ्री तो परसेंट था शायद आज हाँ आकाश थर्ड का बी शायद आज क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से आ गया है तो आपको इन टॉपिक के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा तो पांच परसेंट होता है दोस्तों ठीक है पोरोसिटी पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए पोरोसिटी होता क्या है वैसे पोरोसिटी होता है वॉइड का वॉल्यूम होगा कंपेयर टू सॉइल Soil में कितना वॉल्यूम है Void का वो आपका पोरोसिटी से डिफाइन होता है सॉरी पांच परसेंट कोई दिक्कत नहीं है माफ आप कर आपको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन चौथे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रेफर्ड टू डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट का जोन किस कोड द्वारा आपको पता चलता है विच कोड विच कोड सो या डिटरमाइन द को जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट ठीक है कोड है आई एस चार सौ छप्पन ये किस चीज के लिए कोड है आंसर बताने वाले हो पहला आई एस थ्री एट थ्री ये किस चीज का कोड है आई एस वन एट नाइन थ्री ये किस चीज का कोड है वन टू थ्री सेवन ये किस चीज का कोड है चले चले चौथे का बी है आई एस थ्री एट थ्री चौथे का बी uh, कोड है हाँ आर सी सी चार सो छप्पन होगा क्या? कम के टी सी होगा आई एस वन एट नाइन थ्री से रिलेटेड है अर्थ क्विक वन एट नाइन थ्री ठीक है वन एट नाइन थ्री चार सौ छप्पन ठीक है ये आपका कोड है चार सौ छप्पन आरसी से और ये जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट आपका क्या है आपका कोड फाइन एग्रीगेट, वो आपका चलिए। ठीक है सभी का आंसर आया ठीक है बेहतरीन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका पांचवे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवाच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड फॉर पेंटिंग इंटरनल वॉल इंटरनल वॉल के लिए कौन सा आपका पेंट यूज होगा ठीक है इनमें से इंटरनल वॉल के लिए कौन सा पेंट आप यूज करने वाले हो पहला आपका लेड ऑक्साइड डी आपका इनेमल सी आपका इमल्सन ठीक है सर डी हाँ सर डी वन टू टू सेवन दोस्त ये तो आप भी सर्च कर सकते हो आई एस कोड वन टू टू तो सेवन गूगल पे सर्च करोगे आंसर मिल जाएगा पर दिल पे मत लेना ठीक है पांचवे का सी विद क्वेश्चन मार्क आंसर बता रहे हो या पूछ रहे हो दो चीजें हैं दोस्तों पांचवे का सी आंसर आया सुच, सुचारिता पांचवे का सी है क्वेश्चन नंबर फाइव इंटरनल वॉल में पेंटिंग के लिए कौन सा पेंट आप प्रिफर करते हैं का C, 5 C, 5 का सी सी एंड बी ठीक है आकाश है पांचवे का बी एनीवन एल्स ध्यान देना जनरली ये दोनों पेंट यूज होते हैं पर मोस्ट प्रिफेबल होता है इनेमल ठीक है इनेमल इसका बेस्ट आंसर होगा इनेमल इनेमल पेंट इंटरनल वॉल के लिए बेस्ट प्रिफर होता है इंटरनल क्वेश्चन नंबर छठे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठवा दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है ठीक है

आपके अकॉर्डिंग ये नहीं है अनिल जोशी छठे का डी है चले बेहतरीन है तो देखो नन मीन्स ये सभी आपके क्या एनडीटी टेस्ट है ये सभी आपके एनडीटी टेस्ट है ध्यान देना रिबाउंड हैमर पुल आउट अल्ट्रासोनिक ये सारे क्या आपके दबाव एनडीटी टेस्ट है तो आंसर होगा नन मतलब ये ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं मीन सारे आपके एनडीटी है थोड़ा घुमा दिया लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ेगा इज इट ओके इज इट ओके आगे बढ़ा जाए चले क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने दोस्तों ठीक है सभी का आंसर आया छठे का डी छठे का आरती परमार छठे का डी निशा बजोनी क्वेश्चन नंबर सेवंथ आपका दैस दैस इस थिनर इन प्लास्टिक पेंट इनमें से कौन सा थिनर यूज होता है प्लास्टिक पेंट में बताइए क्वेश्चन है प्लास्टिक पेंट में कौन सा थिनर यूज होता है प्लास्टिक पेंट में थिनर कौन सा यूज होता है एनीवन एल्स और कोई सी बी चले बेहतरीन है और कोई बताना चाहेगा? कमेंट आपके दिख नहीं रहे हैं दोस्तों ठीक है सी 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 आंसर है सभी का वाटर यूज होता है चले ठीक है सी आंसर है राहुल का देख रहे हो विनोद सर को कितना आ, देख रहा है विनोद सर को कितना अच्छा पढ़ाते हैं चले दोस्तों ठीक है तो आपका जो प्लास्टिक पेंट है उसमें थिनर यूज होता है वाटर ठीक है ऑयल पेंट में आपका अलग अलग टाइप के अलग अलग पेंट में आपका अलग अलग टाइप के थिनर यूज होते हैं ठीक है तो जो आपका प्लास्टिक पेंट है उनमें जनरली वाटर आपका थिनर होता है थिनर को आप सॉल्वेंट भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां। आठवा क्वेश्चन नंबर आठवें की ओर बढ़ते हैं ठीक है वाटर सभी का आंसर आया क्वेश्चन नंबर आठवें की ओर बढ़ते हैं विच वन इज नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सा करेक्टली मैच पेयर नहीं है कौन सा पेयर गलत है आपको ये बताना है दोस्तों और क्या गलत है ये भी आपको फाइंड आउट करना है क्या गलत है ये भी बताना है और साथ में बताना है दोस्तों कौन सा आपका गलत है मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं चलिए आठवें का हर्षिता सी राजकुमार सी नीतू चौहान सी ठीक है सी आंसर है ऑलमोस्ट सभी का ये ध्यान देना यहाँ पे ऑप्शन मैंने ए बी ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ेगा सी और डी ठीक है इतना कॉमन सेंस मैं आपसे उम्मीद करता हूं थिनर ड्राई ठीक है टारपेन ड्रायर होता है का रिप्लाई आया चले तो ये बताइए ये टारपेंटाइन यहाँ पे ड्रायर ये आपका गलत है तो टारपेन होता क्या है टारपेन क्या होता है वहकल होता है वैकल होता है बेस होता है थिनर होता है, या इनर फिलर होता है ऑप्शन बताइए दोस्तों ए बी सी डी गलत लिख दिया वहां ठीक है ऑप्शन तो सही है ना ये तो कॉमन सेंस भी आपका यूज होना चाहिए थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। अंकित ऑफिशियल जी का आप, कमेंट आया आवाज नहीं आ रही है और किसी को कोई दिक्कत है आवाज में टारपेन ऑयल कहाँ यूज होगा ये बताऊंगा आप अनिल जोशी थिनर थिनर राहुल कार्नवाल वहकल थिनर चलिए थिनर ठीक है थिनर आकाश ठीक है दोस्तों ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बाकी सारे सारे सही है ये वाइट लेड जनरली बेस होता है बेस में आपके ऑक्साइड होते हैं मेटल के वैकल में लिंसिड ऑयल होता है और आपका जनरली टारपेंटाइन ऑयल आपका थिनर होगा ठीक है और नैपथा आपका सॉल्वेंट होता है आ रही है सर हाँ सर इसलिए मैंने डी आंसर दिया है ठीक है बेहतरीन है जो दिखता है वही होता है ये ऐसा कोई श्योर नहीं है बट हम फिर भी मान लेते हैं क्वेश्चन की, की और बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन है डॉग लेग स्टेयर आर इनमें किन नाम से जाना जाता है क्वार्टर टन क्वार्टर वन चौथाई थ्री क्वार्टर थ्री बाई फोर हाफ टन और लास्ट वाला ऑप्शन है डी आपका स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब सीधी स्ट्रेट, चले ये कल वाली क्लास में भी मैंने आपको डिस्कस करा था राहुल माधुरी राजकुमार सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं डॉली रावत सुचारिता और वो लोग भी जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनकी भावनाओं को समझते हुए उनका भी आंसर में आ, सही मान लेता हूँ ठीक है चलिए तो ये होगा आपका दोस्तों सी आंसर है इसका सी आंसर दिया हाफ टन इसमें जो डायरेक्शन चेंज होती है वो 180 डिग्री डायरेक्शन चेंज होगी 180 डिग्री पूछा जाता है ठीक है 180 डिग्री क्वार्टर टन में जो डायरेक्शन चेंज होगा 90 डिग्री ये ध्यान देना आपको ठीक है 180 डिग्री आकाश यूके के बेहतरीन है सभी को इसका आंसर है दोस्तों बेसिक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की और बढ़ते हैं पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर फायर रेजिस्टेंस किस पेंट का सबसे ज्यादा होगा चले ऑप्शन आपके लिए पढ़ लेता हूं इनेमल पेंट एल्यूमिनियम पेंट एसबेस्टॉस पेंट या आपका डी सीमेंट पेंट दसवें का सी आंसर आया ठीक है दसवें का सी आंसर आया दोस्तों और अब आप लोगों के से क्वेश्चन है कि आगे आप क्या चाहते हो कौन से एम आप आगे चाहते हो या कोई सजेशन है जो यूट्यूब पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाए कोई कोर्स या कोई सब्जेक्ट या आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ठीक है क्या आप हमसे उम्मीद करते हो YouTube पर हम आपके लिए लेके आए कुछ नया बाकी अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट वगैरह चाहिए ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन कोर्स अभी ऑफर चल रहा है ऐप में ठीक है ऑनलाइन कोर्स तो आपके सस्ते में सारे सब्जेक्ट और टेस्ट आपका मिल जाएगा तो आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं ये आप सजेशन में बताने वाले हो चलिए क्या आप लोगों के लिए नया लाया जाए या आप हम कमेंट द्वारा सजेशन में आप बताने वाले हो क्वेश्चन नंबर दसवें का आंसर है एसबेस्टॉस पेंट ये फायर रेजिस्टेंस पेंट होता है ये ध्यान देना ठीक है थीके? तो इसका आंसर है एसबेस्टॉस पेंट इसका फायर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर वन ठीक है सर भावना चले ठीक है क्वेश्चन नंबर ग्यारहवा आप आंसर देने वाले हो तब तक चलिए सर्विंग सर्विंग में पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर फ्री नीतू चौहान और कोई क्रिएटिव आइडिया हो जो आप लोगों के लिए हम ले पाए ला पाए। सोमारी आरसीसी चलिए साथ में आप आंसर भी देने वाले हो मिक्स क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन राहुल कारनवाल चलिए और जिसको आंसर आता है वो आंसर भी देते रहिए ग्यारवा इनमें से जो प्रिजर्वेटिव है जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है वुड के लिए टिम्बर के लिए तो वो कहा से मिलता है कि जो प्रिजर्वेटिव है वो कहां से मिलेगा राजकुमार आर सी सी के क्वेश्चन सर ठीक है राजकुमार ने कहा आर सी सी मतलब मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि आर सी सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए ठीक है इसके अलावा और कोई सजेशन ठीक है ग्यारहवें का ही है ये वुड और कोल से मिलता है ठीक है क्रिस्टॉइड आपका क्या मिलेगा वुड एंड कोल से मिलता है सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है और साथ में आप सजेशन में बताने वाले हो ग्यारहवें का ही है ठीक है सभी का ये आंसर है क्वेश्चन नंबर बारवा क्वेश्चन नंबर बारहवा है क्वेश्चन नंबर बारहवा स्क्रीन पर विच एमंग फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट रॉक इनमें से सॉफ्ट रॉक कौन सा होगा सॉफ्ट रॉक ठीक है मिक्स वेज सही रहेगा सर ठीक है जिंदल जी अपना दिमाग का 100 परसेंट यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ नया आइडिया उनके दिमाग में आता है कॉकटेल क्वेश्चन सर ठीक है बाद में का सी है ठीक है टॉक ठीक है प्रदीप रावत राहुल कानवाल राजकुमार माधुरी सभी लोग जिन्होंने रिप्लाई दिया है, सबका कॉमन आंसर है सी तो ये आपका सॉफ्ट रॉक रॉक होता है टॉक टॉक एक टाइप का क्या होता है सॉफ्ट रॉक होता है ये आपको दिमाग में बैठाना है ठीक है बारहवीं का सी ठीक है चले इसका मोज इसका मोज स्केल आप कमेंट में बताने वाले हो मोज स्केल और सबसे हार्ड रॉक कौन सा होगा हार्ड रॉक ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए चले ठीक है सर कुछ दिनों में बीएमसी कंटिन्यू रखिए दोस्तों ठीक है सजेशन आ चुका है क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर बढ़ते हैं थर्टीन स्नो सैम इज सैम क्या होता है ठीक है चले दोस्तों सबका सजेशन मैं ले चुका हूं सुनो सबकी करो मन की तो आपको आ, डायमंड ठीक है सबसे हार्ड होगा डायमंड ध्यान देना ठीक है सभी का रिप्लाई आया डायमंड ठीक है डायमंड मतलब हीरा हीरा मतलब आपकी तरह चमकता हुआ ठीक है <coughs> स्नो तो सैम इज सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एमसीक्यू भी ठीक है डायमंड सभी का आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है स्नो तो सैम क्या होगा स्नो तो सैम क्या होगा थर्टीन माधुरी रावत सी है राजकुमार सी है चले ठीक है बेहतरीन है डॉली सुचारिता और ऐसे अनगिनत मेरे सिविल के वीर जो रिप्लाई नहीं करते हैं सुनते हुए भी उनका भी आंसर मैं सी समझ के आंसर को सी सही मानता हूँ ठीक है तो एक कलर्ड सीमेंट है स्नो सैम स्नो सैम आपका कलर्ड सीमेंट है एक ठीक है चलिए सर मैं तो क्या हूं? मैं तो क्या हूं? जिंदल का रिप्लाई आया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपका एम फिफ्टी एम फिफ्टी को आप कौन से ग्रेड में आपका कंसिडर करते हैं ऑर्डनरी होगा स्टैंडर्ड होगा या आपका हाई स्ट्रेंथ होगा तीनों में ग्रेड के नाम आप बताइए तीनों में किस रेंज में ग्रेड होगा तीनों में ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है ठीक है सर मैं तो कोयला हूं ठीक है तो कोयले की क्या विशेषता है उसको कोई पसंद नहीं करता है ठीक ठीक है डिस्क्रिमिनेशन होगा भेदभाव होगा चलिए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ठीक है आया चौदह का बी तो ऑर्डनरी ग्रेड से कहां होता है ये क्वेश्चन आपका कहा ग्रेड के नाम आप बताओगे स्टैंडर्ड के आप बताओगे और आपका हाई स्ट्रेंथ के आप ग्रेड के नाम बताओगे कंक्रीट के ग्रेड को तीन टाइप में बांटा गया है फर्स्ट वन ऑर्डनरी ग्रेड सेकेंड होगा स्टैंडर्ड और तीसरा होगा हाई स्ट्रेंथ तो जो आपका स्टैंडर्ड ग्रेड है जो क्वेश्चन पूछा गया स्टैंडर्ड ग्रेड यह आपका हुआ एम ट्वेंटी फाइव से अर्लियर था एम फिफ्टी फाइव पहले था एम फिफ्टी फाइव अब आपका एम सिक्सटी भी इंक्लूड हो चुका है ठीक है और एम सिक्सटी से अब आपका क्या होगा एम सिक्सटी से अब क्या होगा आपका हाई स्ट्रेंथ ठीक है और जनरली एम पा पाँच एम दस पंद्रह और बीस एम दस पंद्रह और एम बीस ये आपके ऑर्डनरी होते हैं ठीक है आप तो एम ट्वेंटी ठीक है ठीक है एम ट्वेंटी फाइव से साठ पहले आपका एम ट्वेंटी फाइव था अब एम साठ को भी आपका क्या माना गया स्टैंडर्ड माना गया है धीरे से ज्यादा जरूरत है उसकी सर चले दोस्तों तो ये आप दिमाग में बैठा देना अब क्वेश्चन बढ़ते हैं हम पंद्रह की ओर क्वेश्चन नंबर चौदह आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर पंद्रह की ओर बढ़ते हैं हाई स्टैंड ठीक है सभी का रिप्लाई आया बेहतरीन है क्वेश्चन नंबर पंद्रह है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ठीक है तो भी हो गया ठीक है ये आंसर है क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं फिफ्टीन की ओर जो आपको ओपीसी थर्टी थ्री है इसका तीन डेज पे स्ट्रेंथ कितना होगा आपको थ्री डेज पे बताना है और सेवन डेज पे कितना होगा मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ओपीसी थर्टी थर्टी थ्री का और अट्ठाईस दिन पे कितना होगा ये तीन आपके लिए क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन है आपका ओपीसी थर्टी थ्री ग्रेड का जो स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थ्री डेज पे सेवन डेज पे और ट्वेंटी एट डेज पे मिनिमम कितना होगा पंद्रवे का ये है तो ये आपका थ्री डेज पे मिनिमम होगा सोलह ये आपका होगा सेवन डेज पे मिनिमम होगा और ट्वेंटी एट डेज पे कितना होगा थर्टी थ्री चलिए दोस्तों ये ध्यान देना है आपको ठीक है ठीक है सोलह बाईस तैतीस कपिल नोटियाल बेहतरीन आंसर है जिंदल ठीक है दोस्तों आप टच में हो अच्छी बात है इतनी मैं उम्मीद आपसे रखता हूं क्वेश्चन नंबर सोलवा अगेन अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सोलवा आपका व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव जियोमेट्रिकल मीन साइज ऑफ एन एग्रीड सैंपल इफ इट्स मॉडल अगर फाइनस मॉडल तीन है तो साइज कितना होगा पार्टिकल का ठीक है आकाश यूकेट एन तीन सोलह सेवन बाईस ठीक है तो क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों सोल चलिए, 600 माइक्रोन, तो देखो कैसे करते हैं ये जो आपका फाइनेस है, ये जनरली एवरेज साइज बताएगा पार्टिकल का एवरेज साइज़, ये आपका एवरेज साइज बताता है इसके लिए आप सीव एनालिसिस करते हैं सीव एनालिसिस में क्या होगा सबसे छोटा सीव सबसे नीचे होता है जैसे सब 150 माइक्रोन 300 माइक्रोन 600 माइक्रोन और ये सीक्वेंस में बढ़ते रहता है ठीक है

मॉडल तीन मतलब छह सौ तो ये सारे सीक्वेंस याद नहीं करने तीन याद कर लेना ये पहले नंबर पे होगा अगर वन आया ये आपका दूसरा होगा और ये आपका तीसरा होगा ठीक है सी आंसर है सभी का <laughs> चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की ओर बढ़ते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट इज इन मेजरी वॉल आर प्रोवाइडेड वॉल लेंथ ग्रेटर देन एक्सपेंशन वॉल वॉल में कब प्रोवाइड होता है जब आपकी वॉल की लेंथ कितनी होगी ग्रेटर देन वॉल लेंथ इज ग्रेटर देन चलिए एक्सपेंशन जॉइंट का काम क्या होता है एक्सपेंशन को अलाउ करना ठीक है असुर जी आ चुके हैं ऑड वन आउट ज्यादा आपका फोकस होता है ठीक है तो अगर आपको हाईलाइट करना है तो ऐसी चीज़ें मत कर दीजिए या कुछ आपने ऐसा ऑड पहन लिया कि अपना ध्यान खींचने के लिए या कुछ ऐसी हरकतें करी जी ऑड लगे अच्छा काम करने में भी ध्यान चले जाता है सपोज तो आपने कोई टॉपर कर लिया टॉप कर एग्जाम तो आप पे ध्यान जाएगा या आपने कुछ अलग है सिंप्लिसिटी है या बहुत सारी चीजें हैं तो वहां से भी आपका पता चलता है ठीक है प्रदीप रावत 45 मीटर ठीक है बेहतरीन है ठीक है

क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है 18वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है द विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ स्लोपिंग रूफ पर जो विंडो प्रोवाइड होती है उसको क्या कहते हैं उस विंडो को क्या कहते हैं द नेम ऑफ विंडो 17 नहीं 18 की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है वॉट इज द क्वेश्चन नंबर एटीन ये कहता है द विंडो प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रूप ऑफ अ बिल्डिंग स्लोपिंग रूप पर जो आपकी विंडो होती है उसको क्या कहते हैं कपिल का आंसर है ए प्रदीप डोरमर ठीक है असुर जी एटीन का ए है नीतू चौहान एटीन का ए बेहतरीन है सभी का कॉमन तो सा क्वेश्चन है इसका आंसर सबको बता है ठीक है ये डोरमर विंडो है जो स्लोपिंग रूप में होगा उसको कहते हैं डोरमर विंडो ठीक है, है? इट्स आंसर इज डोरमर विंडो चलिए आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की ओर बढ़ते हैं सेम विंडो का क्वेश्चन है अ विंडो दैट प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ अ रूम जो एक्सटर्नल वॉल्स वॉल से बाहर जिसका प्रोजेक्शन होता है एक्सटर्नल वॉल से जिसका प्रोजेक्शन बाहर होता है उसको आप क्या कहते हैं पिच पिच हाँ पिच में आपका स्काईलाइट होगा ठीक है बेहतरीन आंसर है तो वो विंडो जिसका प्रोजेक्शन एक्सटर्नल वॉल के आउटसाइड होता है उसको क्या कहते हैं ठीक है आंसर आया का ठीक है। सभी का आंसर है डी निशा बडोनी एस पी सोमारी सभी का आंसर है डी उसको कहते हैं बे विंडो ठीक है बे विंडो मतलब जिसका प्रोजेक्शन आउटसाइड हो कहाँ की एक्सटर्नल वॉल से तो इसका प्रोजेक्शन बाहर है एक्सटर्नल वॉल से उसको कहते हैं बे विंडो चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मोर लाइट एंड विंड ठीक है लाइट और विंड के लिए होगा त्रिदिशा ठीक है अब है है अब अगेन क्वेश्चन क्वेश्चन डोर डोर का ऑफ ऑफ द फॉलोइंग टाइप कैन बी अलाउ एसी एयर सर्कुलेशन प्राइवेसी इवन इट इज क्लोज जब बंद होने पर भी बंद होने पर भी इसमें से आपका वेंटिलेशन होगा और आपका प्राइवेसी होगा मतलब बाहर से अंदर नहीं दिखेगा चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की ओर बढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर का का आंसर सभी बी जितने लोग जुड़े हैं नीतू चौहान जिंदल सुचारिता बी ठीक है तो लोवर्ड इसका आंसर है दोस्तों सभी ने आंसर सही दिया है तो सिंपल क्वेश्चन है लोवर्ड आप इसका पिक्चर है इमेज देख सकते हैं कैसा होता है तो लोवर्ड जो आपका है वो एयर सर्कुलेशन और प्राइवेसी दोनों को इवन क्लोज होने पर भी आपका क्या करेगा प्रोवाइड करता है ठीक है बी आंसर है सभी का ठीक है क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का रिलेटेड है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंजिंग लाइन स्प्रिंजिंग लाइन क्या होता है स्प्रिंजिंग लाइन ये आपका सपोज आपका आर्च है आर्ट है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंड पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है ये स्प्रिंगिंग लाइन होता है ठीक है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इसको मिलाने वाली लाइन को आप कहते कहते हैं स्प्रिंगिंग लाइन ये स्प्रिंग लाइन है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को मिलाने वाला यहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इनर कर्व ये जो हाइट है इसको आप क्या कहोगे इसको राइज कहते हैं ठीक है थीके? इसको राइज कहते हैं और ये वाली डिस्टेंस बताइए या आपका अंदर वाला पोर्शन इंट्रोड्यूस होता है इंट्रा डोज होता है इंट्रा डोज या सॉफिट फिट कहते हैं ठीक है सॉफिट। फिट और जो बाहर वाला एक्स्ट्रा डोज है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये जो लेंथ है ये राइज है ये वाली वैल्यू क्या होगी इसको क्या कहते हैं ठीक है और जो ऐप का लिंक है वो नीचे गिवन है आप वहां जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे आपको अलग अलग टाइप की टेस्ट सीरीज मिलेगा और वीडियो कोर्स मिलेगा ऑनलाइन तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों ठीक है इंटरडोज और एस्टाडोज के बीच का जो ये हाइट है इसको क्या है. है, है. कहते हैं डेप्थ ठीक है डेप्थ आंसर आया ऑप्शन सर ऑप्शन ये है क्वेश्चन मार्क ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क है चलिए डेप्थ कहते हैं ठीक है चले ओके और नीचे दिखा भी आया कि आप लोग लाइक कर सकते हैं इसको ठीक है डेप्थ सभी का आंसर आया चले दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं बाईसवें की और ठीक है क्वेश्चन नंबर बाईसवें वजॉयर्स वजॉयर तो उन एलिमेंट को कहते हैं इन एलिमेंट को वजॉयर कहते हैं ठीक है ये जो आपके ऐसे होते हैं ये एलिमेंट होते हैं इन तो आप वजॉयर कहते हैं ठीक है ये डिस्टेंस कह रहा हूँ ये डिस्टेंस वजॉयर बोलते हैं नहीं वजॉयर तो ये एलिमेंट होता है इन एलिमेंट को वजॉयर कहते हैं चलिए उसको डेप्थ कहते हैं ठीक है सी आंसर है लिंटल आर एसोसिएटेड विद लिंटल किससे एसोसिएट होगा तो कॉमन सी बात है लिंटल क्या है डोर एंड विंडो जहां पे भी ओपनिंग होगा ओपनिंग के ऊपर ओपनिंग के ऊपर सपोज ये ओपनिंग है इसके ऊपर आपका लिंटल दिया जाता है ये इसके ऊपर जो वॉल है जो वॉल है उसका लोड ट्रांसफर करने के लिए साइड में ये आपका लिंटल दिया जाता है जनरली आपका वुडन होगा कंक्रीट होगा अलग अलग टाइप के आपके क्या होते है? हैं लिंटल होते हैं तो ये डोर एंड विंडो में दिया जाता है जहां पे ओपनिंग होगा ठीक है बाईसवें का ये आंसर है सभी का चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम तेईसवें सिंपल सा क्वेश्चन है इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल ऑफ आर्स रिंग इन आर्स डैम आर्स डैम में मोस्ट इकोनॉमिकल सेंटर एंगल कितना होगा सेंटर एंगल कितना होगा ये आपको बताना है मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की बात कर रहे हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल चले 133 डिग्री 34 मिनट ये आपका आंसर है इसको आप याद कर लेना सिंपल सा जो आर्च डैम में ये जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 133 और 34 ठीक है तभी का आंसर आया क्वेश्चन नंबर चौबीस में क्यों और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौबीसवे की ओर बढ़ते हैं वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ड एट टॉप एंड ऑफ द हैंड रेल को सपोर्ट करने के लिए ये आपका हैंड रेल है इसको सपोर्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग और एंड वाला जो वर्टिकल पोस्ट होता है उसको आप क्या कहते हैं और बीच वाले को क्या कहोगे इंटरमीडिएट वालों को क्या कहोगे और पहले और लास्ट वाले को क्या कहोगे आप ठीक है नेवल पोस्ट ठीक है आंसर आया नेवल तो धीरे ध्यान देना जो ये हैंड रेल है इसका जो स्टार्टिंग और एंड वाला है उसको आप नेवल पोस्ट कहते हैं और बीच वालों को आप कहते हैं बेलेस्टर बीच वालों को आप कहते हैं बेलेस्टर ये बीच वाले होंगे ठीक है ये बेलेस्टर मतलब बीच वाले होंगे ठीक है चौबीसवें का ये आंसर है बेहतरीन है चले दोस्तों चौबीसवें का ठीक है ये आंसर है सभी का ये आंसर है ठीक है सभी का आंसर है चले दोस्तों तो लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नॉर्मली ट्राइंगुलर इन शेप जो स्टेप है आपकी स्टेयर uh, केस का वो आपका ट्राइंगुलर कहाँ होता है ट्राइंगुलर शेप में होगा तो उसको आप क्या कहते हैं इंक्लाइंड हैंड रेल ठीक है पैलेस्टर कहते हैं बीच वालों को ठीक है पच्चीसवे का सी आंसर है ठीक है पच्चीसवे का सी आंसर है UK, uh, 10, सी आंसर है ठीक है बेहतरीन है दोस्तों इसका आंसर है आपका सी ये विंडर्स होते हैं ट्राइंगुलर जो तो आपके स्टेप है इन्हें विंडर्स कहते हैं सर ऑफलाइन कोचिंग कहाँ पर है ठीक है अथर्व दीक्षित तो देखो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा होना चाहिए बीच में तो देखो जो हमारी जो इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन में दो सेंटर है ठीक है काफी लोगों को ये अच्छा ना लगे पर ध्यान देना जब आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब देखते हुए आपको सबसे बुरा क्या लगता है जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो सबसे बुरा क्या लगता है आपको हाँ देख रहा है ना विनोद सर पच्चीस क्वेश्चन करवा रहे हैं बस ठीक है डायरेक्शन चेंज करने के लिए ठीक है पच्चीसवा है विंडर सी आंसर है बहुत कम क्वेश्चन है सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में आपका टाइमिंग बढ़ा दूंगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से बाकी अगर आपको ये टेस्ट चाहिए तो आप ऑनलाइन ऐप पे आपका मिल जाएगा और मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी ये सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा देखो पहला जो सेंटर है वो आपका करनपुर देहरादून है ऑफलाइन का सेकंड आपका अगर आप उत्तरकाशी है तो यूटी यूकेआई में भी इसका सेंटर है तो देहरादून में आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको ऑफलाइन आप दूर हो तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन के लिए आपको करना पड़ेगा। इसका कोई नहीं है अलग अलग लोग अलग अलग परेशानी पर सॉल्यूशन एक ही है आ, क्या पेशेंस रखिए सब कुछ अच्छा होगा ऑनलाइन तो का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है दोस्तों वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे स्टोर में आपको अलग अलग टाइप के कोर्स मिल जाएंगे इवन कि आपको अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो एक रुपये में भी वहां पे टेस्ट सीरीज हो जाएगा ठीक है सभी लोग ज्वाइन करें कोचिंग को उत्तरकाशी एंड देहरादून में भी है सेंटर अच्छा पढ़ाते हैं सर ऑनलाइन ऑफलाइन सब है ठीक है ठीक से नहीं दिख रहा है यूट्यूब पर चले दोस्तों थैंक यू सभी के लिए सजेशन के लिए तो आप लोगों से मैंने सजेशन मांगा था तो कल आपकी क्लास नहीं होगी तो कल आपको इसका जो फर्दर अपडेट है वो कहाँ पे मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा ठीक है टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप तो टेलीग्राम ऐप में आपको पर्दर जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा चलिए अच्छा तो मेरे जियो का फाइबर लगाना यार ठीक है चलिए अब बातें हो गई है दोस्तों तो ये था आपका क्वेश्चन एमसीक्यू बिल्डिंग मटेरियल के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इनकेस आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप ऐप पे आके वहां पे एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं हाँ करनपुर में चावला स्वीट के टॉप पर करनपुर में चावला स्वीट है डी बी चौक उसके टॉप फ्लोर पर चले सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ सर ठीक है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिनिमम लेके आऊंगा और टाइम बढ़ा दूंगा ठीक है ये मंडे अपवर्ड होगा तो आपको इसका जानकारी आपको संडे को मिल जाएगा ठीक है दोस्तों चले आईफोन पकड़ के गरीब बनता है भाई चले दोस्तों तो आज हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं थोड़ी तबियत सही नहीं लग रही है गले में चले दोस्तों तो अब मिलते हैं हम मंडे को सभी को रात्रि इमोशनल कार्ड नहीं खिला लास्ट में रियल में थोड़ा सा गले में खराश है चले दोस्तों तो सभी को रात्रि और आ, पढ़ते रहिए ठीक है आकाश यू के टेन ठीक है ओके सर प्रदीप भाई जानता हूँ आपको चले दोस्तों तो आप लोग टाइम पास कर सकते हैं यहाँ पर चले दोस्तों गुड नाइट